हे गाइस, वेलकम टू आर के मोटर व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं XUV 700 AX7 लग्जरी पैक वेरिएंट के बारे में। तो ये जो आप गाड़ी सामने देख रहे हैं, ये आ जाता है अपना पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि सबसे टॉप वेरिएंट इसके अंदर आ जाता है। अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो वो हमें देखने के लिए मिल जाता है 21,29,000 रुपये एक शोरूम प्राइस देखने के लिए मिल जाता है। ऑन रोड लगभग ये 25 लाख के आसपास चला जाता है ये वेरिएंट, और ये टॉप वेरिएंट आ जाता है। इसके अंदर सारे फीचर मिल जाते हैं, चाबी पहले जैसे हमें देखने मिलता है नॉर्मल देखने के लिए मिलती है। अनलॉक बटन अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो इसकी जो ड्राइवर साइड की विंडो रोल डाउन हो जाती है और सनरूफ ओपन हो जाता है। सेम अगर लॉक करेंगे तो ये सेम लॉक के साथ अपने आप इसके साथ में क्लोज हो जाते हैं दोनों चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर गाड़ी की ओर बात करते हैं तो जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये रेड रेंज कलर के अंदर आ जाती है। इसके अंदर 5 कलर देखने के लिए मिलते हैं हमें। इसके अंदर एवरेस्ट वाइट आता है, मिडनाइट ब्लैक आता है, डेजलिंग सिल्वर आता है, रेड रेंज आता है, और इलेक्ट्रिक ब्लू जो आता है वो सिर्फ जिसके अंदर एड्रोनेक्स मिलता है उनके अंदर ही देखने के लिए मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका महिंद्रा का लोगो देख सकते हैं जो 3D के साथ में दिया गया है, जो सबसे पहले इसी गाड़ी के साथ शुरुआत में किया गया है। उसी के नीचे कैमरे की प्लेसमेंट आ जाती है, जो फ्रंट कैमरा आ जाता है लग्जरी पैक में वो देखने को मिल जाती है, और जो फ्रंट की ग्रिल है वो भी काफ़ी माचो लगती है इसके साथ में। उसके अलावा आप इसके हेडलाइट का देख सकते हैं, इसकी काफ़ी शानदार इसके अंदर हेडलाइट हमें दी जा रही है। जो DRL से इसके वो भी काफ़ी शानदार आ जाते हैं, और इंडिकेटर इनके बीच में प्लेस किए जाते हैं। पूरा वाइट लाइट का सेटअप आता है इसके अंदर। जो फोग लाइट आती है वो भी वाइट देखने के लिए मिलती है, और जो लाइट आती है वो भी इसके अंदर वाइट कलर की देखने के लिए मिल जाती है। फोग लाइट के साइड में आप देखते हैं यहाँ पर हमें एयर पासिंग के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा फ्रंट में स्किड पैड देखने के लिए मिल जाती है। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दी गई है, तो इंजन के अंदर कोई चीज़ ईजिली इसके अंदर इंजन को हिट नहीं कर पाएगी। उसके अलावा जो इसका फ्रंट का डिज़ाइन है काफ़ी शानदार देखने के मिल जाता है। यहाँ पे टोइंग हुक देखने के मिल जाता है फ्रंट वाला। और अगर इसकी और साइड से बात करते हैं तो साइड से जो इसका प्रोफाइल आता है कुछ इतना इसका प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर टायर साइज़ की बात करते हैं तो टायर साइज़ जो हमें देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर, वो आपको दिखा देता हूँ कि क्या साइज़ देखने के लिए हमें मिल जाता है। 235/60R18 का इसके अंदर टायर साइज़ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार देखने में लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके अंदर काफ़ी शानदार दिया गया है। कंपनी की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, पर लगभग 180 mm के पास में ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है। साइड के जो कैमरे वो यहाँ पे आ जाते हैं, OVRM ड्यूल टोन के साथ में आते हैं। इंडिकेटर यहीं पर प्लेसमेंट दिया गया है। ABC पिलर जो आते हैं वो ब्लैक कलर के साथ में आती है। स्मार्ट डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ही गाड़ी आप अनलॉक करते हैं ये डोर हैंडल बाहर आ जाते हैं लग्जरी पैक वेरिएंट के अंदर ही, बाकियों के अंदर आपको प्रेस करके ये बाहर निकालने पड़ते हैं। तो 7-सीटर के साथ में ये वेरिएंट आ जाता है। इसके अंदर चारों डिस्क देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। जो पीछे वाले आते हैं वो नॉर्मल आते हैं, आगे वाले वेंटिलेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसको आप वन टच करके ओपन कर सकते हैं, और क्लोज़ भी यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हैं। अंदर कोई इसके अंदर स्विच नहीं दिया है। एड्रोनेक्स की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, कनेक्टेड विचर प्रोवाइड कर रखते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर रूफ रेल आ जाती है, शार्क फिन एंटीना आ जाता है, और जो स्काई रूफ है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेल लाइट का डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार दिया गया है। पहले देखने में ये कहीं जो पहले वाली XUV थी उसके जैसा ही नज़र आता था, पर अब जैसे देखेंगे पास से गाड़ी को तो काफ़ी शानदार गाड़ी है। मस्कुलर बल्कि लुक के साथ में आती है। रियर का लुक आप देख सकते हैं इसका आ जाता है, नए लोगों की प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाती है। बूट आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेल गेट ओपनर मिल जाएगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे रियर कैमरा की प्लेसिंग आप देख सकते हैं। अगर 7-सीटर के अंदर यूज़ करते हैं हम तो लगभग एक हाथ के जितना स्पेस हमें मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको टूल रखने के लिए जगह थोड़ी सी दी गई है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी सेट आते हैं। हल्के फुल्के बैग आप यहाँ पर रख पाएंगे। अगर इन सीटों का फोल्ड कर सकते हैं तो आपके पास बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, पर अगर आप इसको ओपन करके रखते हैं तो इसके अंदर हमें ज़्यादा स्पेस नहीं देखने के लिए मिलता है। इंडिकेटर भी काफ़ी शानदार आ जाते हैं। रिवर्स पार्किंग जो सेंसर आते हैं 2 दिए गए यहाँ पे। उसके अलावा रिवर्स स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। XUV 700 की ब्रांडिंग, AX7 और लग्जरी पैक की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाती है। उसके नीचे रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी शानदार है। उसके अंदर कोई लाइट नहीं शो होती है, और वो अगर रिफ्लेक्शन पड़ते काफ़ी शानदार आ जाते हैं। यहाँ पर रियर वाइपर डिफोगर वॉशर देखने के लिए मिल जाता है हमें। इसका डिज़ाइन रियर काफ़ी शानदार आ जाता है। उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप दी गई है, और स्पेयर व्हील भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका ड्राइवर साइड का कुछ इसका लुक देखने के लिए हमें मिल जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करता हूँ मैं, 4695 mm की इसकी लेंथ आ जाती है, 1890 mm की चौड़ाई आ जाती है, और 1700 mm की इसकी हाइट आ जाती है रूफ रेल के साथ में, और 2750 mm का व्हील बेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। साइड का प्रोफाइल भी काफ़ी शानदार गाड़ी का लगता है, रेड कलर के साथ में तो गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। अगर यहाँ पे आप इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पे चाबी लगा के आप इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने के मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइवर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं पावर विंडो के स्विचेस। सिर्फ ड्राइवर साइड का आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ में मिल जाती है, बाकी आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। उसके अलावा लॉक अनलॉक का, चाइल्ड लॉक लगाने के लिए,
और जो गाड़ी को अनलॉक लॉक करने के लिए वो यहाँ पे मिल जाते हैं। मेमोरी सीट का फंक्शन आ जाता है यहाँ पे, काफ़ी शानदार इसके अंदर ये चीज़ फील कराती है। जो डोर है उसकी भी थर्ड साउंड काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है, मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक ये वेरियंट है। उसके अलावा हिल असिस्ट मिल जाता है यहाँ पर, और अट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और हेडलाइट लेवलर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हल्का सॉफ्ट टच दिया गया है जो कि इसकी ओवर जोल जो फ्रंट का लुक आता है उसके साथ मैच कर देता है ये, तो ये भी काफ़ी शानदार रहता है। इंटीरियर का आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है, कहीं पे हमें जो है हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है, कहीं पे सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। स्टेयरिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर जो स्टेयरिंग मिलता है वो भी काफ़ी शानदार रहता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट आ जाती है और ऑटोमेटिक ही इसके अंदर वाइपर देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। इस वेरिएंट के अंदर 7 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं हमें, ये वाले जो कंट्रोल है म्यूजिक सिस्टम के लिए, और ये वाले जो कंट्रोल आते हैं ये सामने MID के लिए दिए गए हैं। स्टीयरिंग पे लेदर रैप का यूज़ किया गया है, काफ़ी शानदार दरवाना रहता है। उसके अलावा जो म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं ये 10.25 इंच की दो इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है, एक क्लस्टर के अंदर और एक नॉर्मल इसके अंदर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ड्यूल जोन AC देखने के लिए मिल जाता है, तो दोनों अपना ड्राइवर पैसेंजर अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, फुली ऑटोमेटिक ही आता है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे आपको शो करती रहेगी कि कौन सी डायरेक्शन में आप क्या चीज़ चेंज कर रहे हैं। इसके अंदर AC वेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वार्निंग लाइट के मिल जाते हैं, वार्निंग लाइट के स्विच आ जाते हैं। उसके अलावा सेंटर में हैजार्ड का आ जाता है, 360 कैमरा जैसे ऑन करना चाहते हैं उसका आ जाता है। उसके अलावा मोड चेंज करने के लिए स्विच आ जाता है, और जो MID है मतलब कि जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको स्क्रीन सेवर पर डालने के लिए यहाँ पे स्विच देखने के लिए मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन इस वेरिएंट के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। कैमरे की क्वालिटी इसके अंदर काफ़ी शानदार मिल जाती है, आपको प्रैक्टिकल में लगेगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा इसके अंदर दिया गया है गाड़ी के अंदर। उसकी भी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, क्लोज में देखना चाहते हैं या और किसी डायरेक्शन के अंदर आप इनको चेंज करके देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर काफ़ी अच्छे काम करते हैं, इसके अंदर 2 दिए गए हैं और वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आप इनके अंदर जाके सारी इसकी जो सेटिंग्स हैं जो कैमरा की, वो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। बाकी इसका डिटेल में मैं सारी चीज़ इसी में वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो अगर बात करते हैं तो सेंटर कंसोल में अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जर है, और एक USB का पोर्ट मिल जाता है, चाबी रखने के लिए स्पेस मिल जाता है हल्का सा। उसके अलावा इसको आप नॉर्मल जो इसके अंदर ऑटोमेटिक आता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ से आप इसको मैनुअल करके भी इसके गियर शिफ्ट अप एंड डाउन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप एंड डाउन, यहाँ पे आप गियर इसको मैनुअल चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हैंड ब्रेक का आ जाता है, ऊपर करेंगे तो हैंड ब्रेक लग जाता है, नीचे करेंगे हट जाता है। ऑटो होल्ड का फंक्शन भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, 2 कप होल्डर आ जाते हैं, और ये रोटरी नोब दिया गया है जिससे आप इसके सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट की आप आवाज़ चेंज करना चाहते हैं म्यूज़िक के, या स्लाइड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से भी इसके जो मीडिया है उसके सारे कंट्रोल यहां से एक्सेस कर पाएंगे। काफ़ी फीचर इस वेरिएंट के अंदर दिए गए हैं। उसके अलावा यहां पे आप देखेंगे सेंटर में तो ये जो आर्मरेस्ट दिया गया है ये एडजस्टेबल आ जाता है, ये भी काफ़ी शानदार लगता है। और जो सीटों के साथ जो स्ट्रेचिंग दी गई है वो भी वाइट कलर की आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्पैक्स रख सकते हैं, या आप उसके अलावा चाबी भी यहाँ पे रख सकते हैं। कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, तो हल्की फुल्की आपके पास कैन है या पानी की छोटी बोतलें वो भी आप इसके अंदर रख पाएंगे ईजिली, तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद जो अगर सेंटर में चलते हैं ऊपर तो आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो मिरर दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैनुअल दिया गया है, इसके अंदर ऑटोमेटिक डिमिंग फंक्शन के साथ में नहीं आता। सिर्फ यही एक ऐसा रीज़न लगता है मेरे को कि इस सेगमेंट में आने के बाद भी इसके अंदर मैनुअल दिया गया है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, उसके अलावा जो स्काई रूफ है उसको खोलने के स्विच आ जाते हैं, माइक आ जाता है, टेम्परेचर सेंसर आ जाता है, लाइटें मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए, उसके अलावा SOS के लिए जो स्विच आता है वो आ जाता है, एम्बिएंट लाइटिंग का स्विच यहाँ पे आ जाता है, और लाइट मैनुअल इस साइड की उस साइड की आप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सनरूफ को खोलने के लिए आपको 1 टच का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं जो स्मार्टली तरीके से प्लेस किए गए हैं। अगर इसके ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पीकर देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर आते हैं इसके अंदर जो ऊपर दिए गए हैं, 2 आगे और 2 लास्ट के अंदर। उसके लिए 12 स्पीकर सेट मिल जाता है इसके अंदर, 3D साउंड मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग इस वेरिएंट के अंदर ऑफर की जा रही है। नी एयरबैग एडिशनल इसके अंदर दिया जा रहा है। 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। रडार सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस लग्जरी पैक के अंदर दी जा रही है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स मिल जाता है, उसके अंदर आपको ऊपर टैबलेट रखने के लिए स्पेस मिल जाता है और नीचे अपना सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि आप अपना टैब या अपनी डायरी कुछ भी इसके अंदर आप इजीली रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट कुछ अर्जेंट वाले वो आप ऊपर रख सकते हैं।
और इसके अंदर जो और खास चीज़ मिल जाती है अपने देखने के लिए तो वो आ जाता है इसका मेन जो है वो आ जाता है इसका मीटर। ये क्लस्टर आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी शानदार क्लस्टर मिल जाता है। 10.25 इंच के दो क्लस्टर दिए गए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप, एक साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, दूसरी साइड में आरपीएम मीटर, उसके नीचे सेंटर में वार्निंग लाइट आ जाती है, और जो आरपीएम मीटर है उसके साइड में टेम्परेचर का मिल जाता है, और दूसरी साइड में फ्यूल गेज का लीवर अपने को मतलब लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी मिल जाती है। इतने फीचर इसके अंदर दिए गए हैं कि आप इसको एक्सप्लोर करने में लगभग आप इसके अंदर एक हफ्ता लगाने वाले हैं अगर ये गाड़ी आपने परचेज़ की है या परचेज़ करने वाले हैं। उसके अलावा ड्राइवर टेंशन मिल जाता है इसके अंदर, एडास के फीचर देखने के मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर इसके अंदर आ जाते हैं। एलेक्सा इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाता है हमें। एड्रेनोक्स के जो कनेक्टेड फीचर है वो भी इसके अंदर देखने के मिल जाते हैं, उनका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा आप देख सकते हैं। ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, उसके अलावा वार्निंग सिंबल भी आ जाते हैं। स्पीड जो हाईवे के ऊपर होती है स्पीड लिमिट, उसको भी ये रडार के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है कि क्या स्पीड आ रही है। उसके अलावा जो इसको मीटर है इसको आप पूरा चेंज कर सकते हैं, लेआउट मिनिमल या और भी चीज़ें इसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हैं। जो राइट हैंड साइड वाला अपना इसके अंदर दिया गया है उस स्विच के साथ इसको टॉगल कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे आप टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, उसके साइड में टाइम दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ें आप इजीली यहाँ पे मिल जाती है। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर ऐसी स्लाइड दी गई जैसे कि रेंज रोवर की गाड़ियों के अंदर या हाई एंड गाड़ियों के अंदर दी जाती है, तो वो मिल जाती है। उसके अलावा स्लाइड डाउन या स्लाइड अप वाला फीचर भी पहले ही बार इसके अंदर मतलब किसी सेगमेंट के अंदर ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर जस्ट डायल मिल जाता है आपको, इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका कभी डिटेल के अंदर मैं एक एक वेरिएंट जो भी चीज़ें आती है उन सारों का आराम से मैं कोई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तो उसको देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस गाड़ी की रील देखना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस गाड़ी की और गाड़ियों की काफ़ी सारी इसके अंदर रील देखने के लिए मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट पोस्ट देखने के लिए मिलती रहेगी। उसके अलावा एक साथ में इसके अंदर कई डिवाइस भी कनेक्ट आप कर सकते हैं, और जो म्यूज़िक है, वाईफाई है, फ़ोन प्रोजेक्शन आ जाता है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आप एक्सप्लोर करते हैं, वो बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे जो खासकर इसका फीचर लगता है मेरे को 3D साउंड का लगता है, जो 12 स्पीकर के साथ में इसके अंदर साउंड क्वालिटी निकल के आती है वो एक नंबर शानदार इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा ड्राइविंग मोड आ जाते हैं, उनके अंदर भी आप गाड़ी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, कितनी क्या पावर कितना आपको चाहिए वो भी चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको चेंज करेंगे, प्लेसमेंट आप जहाँ भी रखना चाहते हैं स्पीकर की वहीं पे आप इनको रख सकते हैं और इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे आप। और बात करते हैं इसके बारे में तो आपको इसके अंदर 6-way इलेक्ट्रिक सीट मिल जाती है, उसके अलावा लंबर स्पोर्ट भी अपने को देखने के लिए मिल जाता है। प्रीमियम लेदर सीटें आती है, सिर्फ इसके अंदर ये ऑप्शन रह जाता है कि इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर नहीं दिया गया है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। एक जो डिमिंग फंक्शन के साथ में सेंटर वाला मिरर वो नहीं आता है, बाकी ये वेंटिलेटेड सीटें नहीं हैं, तो ये आप दो चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं अगर आप नेगेटिव में करना चाहते हैं, बाकी सारी पॉजिटिव मिलती है। उसके अलावा स्काई रूफ भी आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी शानदार आ जाता है। सेगमेंट में सबसे बड़ा इसके अंदर स्काई रूफ देखने के लिए मिल जाता है, और जिसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए हमें मिल जाती है। उसके अलावा चलते हैं तो पीछे की सीटों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अगर इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेम वुड टच देखने के लिए मिल जाएगा। पावर विंडो के इसके स्विचेस मिल जाएंगे, यहाँ पे भी क्रोम का वर्क हल्का सा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा जो हैंडल्स है वो इसके अंदर पियानो ब्लैक के साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर मैगजीन होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर आती है, वन टच इसके अंदर फोल्ड का सिस्टम मिल जाता है, तो आप इसको अगर उस साइड की जो इसके अंदर मिलती है सीट उसको आप करेंगे वन टच तो वो वन टच डंबल हो जाएगी, और इसको अगर आप करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगी। एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, एक जो सेंटर वाला आता है वो फिक्स देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा सेंटर में आर्मरेस्ट देखने के लिए हमें मिल जाता है। यहाँ पर और बात करते हैं तो जो फ्लोर का हम्प है वो काफ़ी नॉर्मल रखा गया है उसके अंदर, और जो सेकेंड रो उसके अंदर जो स्पेस है वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए हमें मिल जाता है। यहाँ पे कोट हैंगर यहाँ पे भी दिया गया है, उसके अलावा जो पीछे वाली सीट है वहाँ पे भी कोट हैंगर हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे रियर एसी वेंट देख सकते हैं आप, एक आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाता है सी टाइप का, यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए स्पेस आ जाता है, और ये सेंटर का आप हम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पॉकेट मिल जाती है, अपना फ़ोन या मैगजीन वगैरह आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। उसके अलावा इसकी और बात करते हैं हम तो, और आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये फंक्शन मिल जाता है वन टच, इसको सीट को आप आगे कर पाएंगे पीछे से ही, तो अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो इस सीट को अगर आगे करना चाहते हैं वो आगे कर सकते हैं। उसके अलावा सीटों की क्वालिटी गाड़ी की इतनी शानदार है कि आप जब भी इसके अंदर बैठेंगे आपको खुद फील होगा कि सीटें इसकी काफ़ी शानदार दी गई है। बकेट फिटिंग के साथ में आपको मिलती हैं जो इसको काफ़ी शानदार बना देती है, और कम्फर्ट इसका
नेक्स्ट लेवल ले जाती है। उसके अलावा थाई स्पोर्ट दिया गया सीटों के अंदर, वो भी काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है। अब अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से जो है ये देख सकते हैं आप, थाई स्पोर्ट इसके अंदर एडिशनल दिया गया है, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वन टच दिया जाए, तो इसको आप ऐसे करेंगे तो ये सीट यहाँ पे आपकी डंबल हो जाएगी और इजीली इसके अंदर इंग्रेस और आउटरेस आप इजीली कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो चलिए थर्ड रूम में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगर जैसे मेरी हाइट 5'7" है तो इसके अंदर मैं कितना कम्फर्टेबली बैठ पाता हूँ। तो वो देखने के लिए आप देखेंगे, अगर मेरी जैसे मेरी 5'7" हाइट है तो यहाँ पर मैं बैठ पा रहा हूँ, पर हल्का सा स्पेस अगर मैं ऊपर होकर बैठता हूँ तो बच जाता है, पर अगर मैं कंफर्टेबली पोजीशन में बैठूँ तो यहाँ पे बिल्कुल टच हो जाता है। यहाँ पे एक बोतल होल्डर या कप होल्डर कह सकते हैं आप, एक चार्जर का पॉइंट दिया गया है और जो एसी के ब्लोअर उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे लेवलर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं क्वार्टर ग्लास भी इसका किस साइज़ का दिया गया है। ऊपर जो स्पीकर मैंने बताए थे वो स्पीकर यहाँ पर आपको दो मिल जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई हुक मिल जाता है और अपने को कुछ रखने के लिए, और सेम दूसरे साइड में एसी के वेंट मिल जाते हैं एडजस्टेबल, ये हेडरेस्ट यहाँ पे भी दिए गए। और अगर इन जो थर्ड रो वाली सीटें हैं उनका भी आप जो रिक्लाइन एंगल है वो सेट करना चाहते हैं, वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा हल्का सा आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये था इसका एक पूरा वीडियो। अब सिर्फ बच जाता है इंजन बे के बारे में, तो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि आपको इंजन जो हमें देखने के लिए मिल जाता है किस तरीके का मिलता है, क्या उसकी सीसी है। तो चलिए इंजन के पास में चलते हैं, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के अंदर यहाँ पे ही लीवर दिया जाता है बोनट ओपन करने के लिए। तो अब इसके बोनट के नीचे दिखा देता हूँ, जो ये इतनी बड़ी गाड़ी आ जाती है इसके अंदर कितना सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें पेट्रोल का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, और इसके इंजन की बात करते हैं तो ये TGDI इंजन मिल जाता है 2.0 लीटर का आ जाता है, जो कि 200 PS की पावर बनाता है 5000 RPM पे। उसके अलावा 380 Nm का टॉर्क बनाता है 1750 से 3000 RPM के साथ में। ये इंजन हमें 6-speed ऑटोमेटिक और 6-speed मैनुअल के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार इसको बना देता है। गाड़ी आप खुद अगर ड्राइव करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंजन कितना पावरफुल है, सेगमेंट की और गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी चलने में शानदार देखने के मिल जाते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस गाड़ी को एक बार जाके देखिए और इसकी टेस्ट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसी के सेगमेंट की एक किया की गाड़ी आने वाली है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और हर एक वेरिएंट और गाड़ी के बारे में जानने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।